देश के जाने माने बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद जब मैं आडवाणी जी से मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं बोले। मैंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो मुझे शुभकामनाएं दी और भारी आवाज में बोली कि तुमने फैसला कर ही लिया तो ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने चलते समय मुझे फैसला बदलने के लिए नहीं कहा। यही फैसला मैंने अटल आडवाणी को भाजपा के वक्त लिया होता तो मुझे डांट कर खामोश कर दिया जाता और हक से रोका जाता, लेकिन अब वक्त बदल गया है। आडवाणी मुझे रोकते भी तो किस हक से, जब उन्हीं के साथ भाजपा ने सही बर्ताव नहीं किया तो वो किसी और को दिलासा कैसे देते। जिन लोगों ने भाजपा को अपने पैरों पर खड़ा किया था उन्हीं को खामोश कर दिया गया है। अंधभक्तों का बोलबाला है। पार्टी के बुजुर्ग दुखी हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि किसी के कहने पर चलूं फिरूं उठूं बैठूं, मुझे अपना काम पता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।